गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है फ्राइडे और अभी बज रहा है सुबह का 9 और पतिदेव उठ गए हैं सो के। उठ के मुझे मखाना भूंज दिए हैं, नारियल पानी भी पी लिए हम। अब पतिदेव जा रहे फ्रेश होने, उसके बाद जाएंगे मॉर्निंग वॉक करने। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कल रात को बहुत लेट सोए थे, थोड़ा काम कर रहे थे, मूवी देख रहे थे। छुट्टी है ना, और थोड़ा ही दिन फिर तो बस ख़त्म हो जाएगा छुट्टी, फिर ऑफिस के लिए सुबह सुबह उठना पड़ेगा। आज दिन भर बहुत सारा काम है, पूरा ब्लॉग में बने रहिए और देखिए क्या क्या काम करते हैं। पहले जैसे आप लोगों से मैंने कहा था कि बहुत सारा काम है आज, बहुत सारा काम का कुछ भी नहीं है, मतलब यही कि कुछ स्पेशल लंच बनाएंगे, तो यही बहुत सारा काम है। लेकिन प्लानिंग अभी तक हुआ नहीं है। पतिदेव मॉर्निंग वॉक से आ जाए, हम लोग ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्लान सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो आज समझ में नहीं आ रहा ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, रोज़ कुछ 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 बना के थक गए, तो आज सिंपल सा मैगी बना लेते हैं। हम लोग ऐसे आटा मैगी खाते हैं, ऐसे मैदा वाला मैगी नहीं खाते, लेकिन आज मैदा वाला मैगी खाने का मन करे तो चलिए आज मैगी खाते हैं और फिर क्या प्लानिंग होता है फिर आप लोगों से शेयर करते हैं। आप बताओ, मैगी से मैगी के सिवा अन्नों की जोर क्या कर सकते हैं? चौमिन। मतलब मैगी को मैगी चौमिन छोड़ के और अन्नों की जोर क्या ला सकते? मैगी का बड़ा पकौड़ा, क्या पकौड़ा, मैगी पकौड़ा के बेसन से मिला के, मतलब सुबह सुबह ऐसा नियत खराब हो गया दिन मान कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैगी का पकौड़ा खाएंगे। गजब सिचुएशन है, आप लोग बता सकते हैं। मेरा भाई बोल रहा है मैगी से तुम दूसरा कुछ करेगी, मैगी से और क्या बन सकता है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। मेरे साथ मेरे भाई का भी बहुत बड़ा लड़ाई हो गया है और मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था। बहुत ज़्यादा मारामारी हो गया था भाई के साथ मेरा, तो फिर उसे रोकना पड़ा। तो चलिए ब्रेकफास्ट बन गया है और पतिदेव को सबसे पहले देते हैं खाने के लिए। अभी तक नज़ारा देखते देखते ब्रश रगड़ रहा है, हम लोग मैगी खा ले रहे हैं, हम लोग का मैगी फिनिश होने वाला है, लेकिन उधर नज़ारा देखे देखे ब्रश किया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। बाबा क्यों बोल रहे बाबू? एक्सट्रीम टेस्टी। क्या चीज़? मैगी। एक्सट्रीम एक्सट्रीम। लोग हमसे यूट्यूब में रेसिपी मांग रहे हैं मेरा खाने का। कौन मांगा? मांगा एक जन, बोल रहा है कि इतना अच्छा खाना बनाते रेसिपी शेयर कीजिए, हम लोग भी बना के खाएंगे। बट वायरल नहीं हो रहा ऐसा, किस्मत है इसलिए वायरल नहीं हो पा रहा है। किसी को फूल दे दे रहा है, किसी का वाईफाई ले ले रहा है, लेकिन फिर भी वायरल नहीं हो पा रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मेरे भाई को वायरल कर दीजिए। देख रहे हैं, देख सकते हैं, ऐसा नीच आदमी देख सकते हैं, वायरल वायरल करेगा इसको, इसको बांस से मार मार के इसका टंगड़ी तोड़ेगा, इसको वायरल करेगा। আমি জানিস তো মানে মিথ্যাবাদীর সাথে তর্ক করতে চাই না, যাদের মুখে 24 ঘন্টা মিথ্যা কথা লেগে থাকে। কি দেখাবে আর তোমার পায়ে? এখানে টাকা পয়সা নেই, তার মানে এখানে একটু টাকা পয়সা নেই। পাউডি গুলো সব এক্সপায়ার করা ছিল, এক মাসের মধ্যে এক্সপায়ার করে যাবে, একদিন ইচ্ছে কারণ ম্যামটা শুধু আমার আজকের জন্য দরকার ছিল, তুই এক মাসের মধ্যে এক্সপায়ার করে পাউরুটি। আর ম্যামটা কান্নাড়ি বলে যাচ্ছে আমাকে, কান্নাড়ি শিখতে হবে, কান্নাড়ি বলে যাচ্ছে, পরে সাইডে ইংলিশে আমাকে ট্রান্সলেট করে দিল।
বলছে যে এটা এটা বিল হবে না, এটা কেন্টেলা 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 এরকম করে যাচ্ছে। আমি যে ওয়াট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, তা বলছে কি কি যে দিস ইজ নট ইনক্লুডিং ইউর বিল। ও এগুলোর মধ্যে আবার এগুলো তো আছে 10-20 টাকা। पूरी चक्कू कटोरा सब दे दी, थोड़ा प्याज चॉप कर दीजिएगा हमको, ये रहा प्याज यहाँ पे रखा हुआ है। चाय सीज रहा है अभी, हम और पतिदेव चाय पी लेंगे, चाय पी के फिर हम लोग काम पे लगेंगे। पतिदेव अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, मेरा थोड़ा प्याज व्याज चॉप कर देंगे और हम लंच बनाने में लग जाएंगे। वाओ, ये रहा मलाई वाला चाय। वाओ बन गए, दो दो गाड़ी का मालिक हो गए हो, आपको तो BMW वाला मैसेज करेगा ही। हाँ, जिस आदमी के पास एक तो SUV कार रहेगा, एक तो I10 नियोज रहेगा, तो उसको तो BMW वाला मैसेज करेगा। हमको ओला वाला मैसेज करता है, ओला उबेर वाला। किसी का भी पैसेंजर उठाता है, मेरे पास मैसेज आने लगता है। इधर मैं आंख बंद करके भी काट सकता हूँ, आप देख सकते हैं, ऊपर कीजिए कैमरा। बनने वाला था सोया कबाब बिरयानी, और ये रहा सोया, और इसका बनेगा कबाब, उसके बाद इसको फ्राई करके फिर बिरयानी बनाया जाएगा। प्रॉब्लम हो गया, पतिदेव दो दिन से बोल रहे थे कि गैस मंगवा लो, गैस मंगवा लो, गैस ख़त्म हो जाएगा। तो आज ही मैंने गैस वाले भैया को फ़ोन किया और बोले भैया गैस चाहिए था, तो बोले मैम मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं आज रात को या कल सुबह तक देता हूँ। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, मैंने उसे बोला कल सुबह 10 बजे तक दे दीजिएगा, बोले अच्छा मैम ठीक है। तो यही करके आज जैसे आप लोगों को बताए थे कुछ स्पेशल लंच बन रहा है, तो वही खाना बना रहे थे, बनाते बनाते एकाएक गैस बंद हो गया। क्या कर, उसको तो बोले कल सुबह देने के लिए, फिर दूसरा गैस वाले भैया को फ़ोन किए, फिर वो बोले आधे घंटे में आते हैं, आके आपको गैस दे के जाते हैं। तो फिर अभी वेट कर रहे, सारा कुछ तैयारी हो के ही रखा है, सब कुछ हो गया, बस गैस आएगा तो लास्ट फिनिशिंग टच देंगे और फिर नहा के खाना खाएंगे। बहुत ही बैड लक हो गया आज, अभी तक गैस वाला गैस देने नहीं आया, आधा घंटा हो गया, भूख के मारे जान जा रहा है, तो ग्रेप्स खा के भूख मिटा रहे, तो बहुत लेट हो जा रहा है। अब पतिदेव को भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पतिदेव दो दिन से मुझे बोल रहे थे बाबू गैस मंगवा लो, गैस मंगवा लो, मैंने ही लापरवाही कर दिया। फाइनली बन गया है मेरा लंच, देख सकते हैं आप लोग इधर स्टीम हो रहा है। तो आज मैंने बनाया है क्या बनाया, सोया मलाई टिक्का बिरयानी। तो अभी ओपन करते हैं, ये स्टीम में हो गया है, पतिदेव खाने के लिए परेशान हुए जा रहा है, आज बहुत लेट हो गया, 3 बज गए, जैसे आप लोगों को पता था मेरा गैस ख़त्म हो गया था। तो चलिए खाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते कैसा बना है और बताते कैसा बना है खाते।
देख सकते हैं आप लोग, ये है मेरा सोया मलाई टिक्का बिरयानी। अब इसको सर्व करते हैं, फिर आप लोगों को नीचे का पोर्शन दिखाते हैं। ये रहा मेरा सोया मलाई टिक्का बिरयानी। अब ये पतिदेव को खाने के लिए देते हैं और फिर पतिदेव बताएंगे कैसा बना है। लीजिए मम्मा। ये बहुत अच्छा बना है, बताने का जरूरत नहीं। कैसा बना है तुम बता सकता है कैसा बना है? स्पीचलेस। बहुत ये है सोया कबाब और इसका बना है बिरयानी। मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वेज बिरयानी इतना अच्छा हो सकता है। मतलब सोयाबीन तो लग ही नहीं रहा है, लग रहा है पता नहीं नॉन वेज बिरयानी है। हम खाना खाने के बाद अभी उठ नहीं पा रहे, हाथ गंदा है, अभी लेट गए, खाना खा के शरीर छोड़ दिया है। और पति ने तो मेरे जाने वाले थे खाना खाने के बाद वॉक करने, लेकिन अब बोलते हैं कि सोने का मन कर रहा है, लेकिन हम ज़बरदस्ती अभी बाहर भेजेंगे क्योंकि कल मेरे पतिदेव का एग्ज़ाम है, तो कल सुबह निकल जाएंगे और आते आते शाम हो जाएगा और कल 30 किलोमीटर ड्राइव करके जाना पड़ेगा, इसीलिए आज सोने से नहीं होगा, आज थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूरी है। रुकिए आप लोगों को दिखाते हैं। जाओगे नहीं बाबू घूम पार्क में? क्यों, क्या हो गया, जा नहीं रहे हो? रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर जा रहे हो तो जाओ, अगर नहीं जा रहे हो तो जो काम कर रहे थे वो काम को कंटिन्यू कर दो। जी नहीं तो फिर जाओ। मेरा हाथ पकड़ के एक बार हमको उठा दो, हम हाथ धो के आते, झूठा हाथ पड़ा है मेरा। फाइनली पतिदेव गए नहीं पार्क पे, और यहीं पे लाइट वाइट सब बरिंदा में ऑफ करके सो गए थे। देखिए अब रूम पे आ गए हैं, पूरा घर अंधेरा कर लिया, हम रूम पे लाइट जला लिए। देख लीजिए मेरा मोटू को गए नहीं पार्क पे, यहीं पे लेट गए क्योंकि मोटू को खाना खा के अब शरीर छोड़ दिया है, अब आ रहा है नींद। लेकिन मोटू अगर अभी सो गए तो शाम को उठेंगे नहीं, सीधा कल सुबह उठ के एग्ज़ाम देने चल जाएंगे, इसीलिए हम मोटू को सोने नहीं दे रहे। पूरा दिन थक के लेट से खाना खा के सब करके थोड़ा देर सो गए थे, उसके बाद सो के उठे तो फिर गैस हो गया, एकदम गलत टाइम पे खाना खाए ना। तो पतिदेव फ़ोन में बात कर रहे सुमन से, भाई गया है थम्सअप लाने के लिए क्योंकि सबको एक ही प्रॉब्लम, लेट से खाना खा के थोड़ा गैस हो गया। तो अभी रात का खाने का तैयारी कर रहे हैं, दूध चलाए हैं, आज जल्दी डिनर कर लेंगे क्योंकि कल पतिदेव का एग्ज़ाम है, सुबह 9 बजे वो निकल जाएंगे, 9 से 9:30 बजे निकल जाएंगे, आते आते शाम हो जाएगा, तो आज जल्दी सोना पड़ेगा। स्वीट इमली खा रहे अभी, और भाई को बोले थोड़ा सा चावल चढ़ा देने के लिए क्योंकि दोपहर को जो कबाब बिरयानी बनाए थे सोया कबाब बिरयानी, तो बहुत सारा कबाब और मसाला मतलब मलाई बहुत सारा है, थोड़ा सा राइस बना के उसमें मिला देंगे तो हो जाएगा। तो अरे तो भाई गया है चावल चराने के लिए, मैंने सारा काम कर दिया, दूध वूध गर्म कर दिया और भी सब कुछ गर्म वरम कर दिया, सब्जी उब्जी। तो इमली खाते हैं, मीठा इमली, और पतिदेव वहाँ पे पड़े हुए हैं। बना के फिर कबाब में डाल दिए हैं और गैस जला दिए हैं और उसको स्टीम पे चला दिए हैं, और ये थोड़ा देर स्टीम होगा 15-20 मिनट, उसके बाद पतिदेव और हम खा के सो जाएंगे, भाई लेट से खाएगा क्योंकि भाई को भूख नहीं है और मुझे भी भूख नहीं है, लेकिन पतिदेव का कल एग्ज़ाम है इसीलिए जल्दी सोना पड़ेगा। तो ये जब स्टीम होता है तब तक थोड़ा देर लूडो खेल लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। अभी बज रहा है रात का 11 और सारा काम मेरा हो गया और हम लोग का लंच डिनर भी हो गया है, तो डिनर हो गया, चलिए अब सोने चलते, पतिदेव भी सोने का तैयारी कर रहे क्योंकि कल पतिदेव को जल्दी उठना है और एग्ज़ाम देने जाना है, इतना दिन घर में रहेगा है ना, अब कल जाएंगे सुबह और आएंगे शाम को, ये सोच सोच के हम परेशान हो रहे, दिन भर देख नहीं पाएंगे, मतलब एक आदत हो गया है ना दिन भर देख देख के, तो सोच रहे कल तो एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे, फिर तो 16 तारीख से
अपना ऑफिस ज्वाइन कर ही लेंगे, फिर होगा मुझे कुछ दिनों तक परेशानी। तो चलिए अभी सोते हैं, फिर सुबह मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे रहिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।